आप अपने पैरों पे नहीं खड़े हुए ना, कैसे आपके पैरों पे? मेरा पैरों पे खड़ा हो गया और बोलो। आप बदतमीजी कर रहे हो। सर्दियां चल रही है, मेरे से ये रातें काटी नहीं जा रही। मैं रात को सोता हूँ, एक बजे के बाद मुझे याद आती है कि यार मुझे लड़की कोई हो मेरे पास सो रही हो, मैं उसका हाथ पकड़ू, मेरा हाथ पकड़े, माहौल ठंडा हो रहा है, माहौल गर्म। कभी आप चलो, हम दोनों शादी कर रहे हैं। क्या हो गया, आपकी हिम्मत कैसे मुझसे इस तरह से बात करने की? किसको कॉल कर रही हो? मेरी बात तो सुने। अस्सलाम वालेकुम, मैं अंदर आ सकता हूँ? अच्छा, ये मेरी बचपन की आदत है, मैं अंदर जाके फिर बाद में पूछता हूँ। मैं दरअसल मैंने सुना है आप लोग शादियाँ कराते हैं। मरहबा मैरिज ब्यूरो, यही है? जी जी। तो मुझे भी शादी करनी है। ठीक है, बताएं डिटेल्स दें अपनी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अशफाक हुसैन है। लड़कियाँ दिखाओ ना मुझे, पहले डिटेल्स तो दे दें आप मुझे। मेरी लड़कियाँ मैंने कभी देखी नहीं है लाइव, जिंदा लड़कियाँ आप लोग के पास? जी बिल्कुल। कैसी बातें कर रहे हैं आप? नहीं मुझे दिखाओ ना, मैं एक आध देख पसंद कैसे करूँगा मैं? पहले आप अपनी मुझे डिटेल बताएं, क्या कमाते हैं आप, क्या एज है आपकी? कमाता तो नहीं हूँ मैं, तो जॉबलेस हूँ, बेरोजगार हूँ मैं। तो बेरोजगार है तो ऐसे कैसे चलेगा फिर? तो वो नसीब अपना लेके आएगी ना, साथ फिर कमाएंगे दोनों। मैं शादी के बाद काम करूंगा, पहले मैं शादी करके देखूँ सही लड़की कैसे। मैं कभी लड़की जिंदा देखी नहीं। ऐसे कौन आपको अपनी बेटी दे देगा? हाँ नहीं, मैं नहीं कमाता, लेकिन मेरे अब्बू के पास बहुत पैसा है, खानदानी अमीर है हम। मैं खुद काम नहीं करता, खानदान वाले बहुत पैसे वाले। मैं गाड़ी में आया हूँ, सिविक खड़ी है बाहर, ऐसे कंगले नहीं है। मैं खुद नहीं कमाता, पर्सनली मेरे पास पैसे नहीं है, अब्बू से लेता हूँ। अब्बू 10 गालियाँ देते हैं फिर 5,000 देते हैं। मेरा नाम अशफाक हुसैन। कमाता नहीं हूँ, मैंने कहा मैं कमाता नहीं हूँ, मेरे अब्बू कमाते हैं। कमाने को छोड़े ना, आप लड़की दिखाओ ना, लड़की दिखाओ, शायद कमाई अपने आप में अभी अभी काम पे लग जाऊंगा। ठीक है, क्या एज क्या आपकी? एज मेरी जो है ना 27 साल। कहाँ रहते हैं आप? मैं ना गार्डन वेस्ट में रहता हूँ। ठीक है, बताएं कैसी लड़की चाहिए आपको? लड़की मुझे चाहिए खूबसूरत, सुशील, सुंदर, घर के सारे काम आते हो, खाना बनाना उसको आता हो, और उसका नाम जो है ना वो एफ से शुरू होता हो, एफ से उसका नाम शुरू होता हो और ए पे खत्म होता हो। चाहिए आप कुछ है नहीं, चाहिए आपको इतना सब कुछ उस लड़की में। लड़की और फैशनेबल हो, कपड़े ऐसे पहने ना कि मैं दूर से आ रही, मैं उसको देखो और मैं पागल हो जाऊँ। दिला तो आप सकते हैं इनको कपड़े पे? कपड़े क्यों नहीं दिला सकता हूं? मैं अपने अब्बू से पैसे मांग के दिलाऊंगा ना, मेरे मुझे भी वो दिला रहे। पूरी जिंदगी मांग मांग के करेंगे क्या? हां पूरी जिंदगी मांग मांग के करूंगा, मेरे आदत है मांगना। देखिए मेरे, हम ऐसे नहीं देते, जो कमाता नहीं है हम ऐसे उसको लड़की नहीं दे सकते। सॉरी, क्यों नहीं दे सकते? ये क्या बात हुई कि नहीं दे सकते? आप लोगों ने मैरिज ब्यूरो खोला, आपकी जिम्मेदारी है ना शादी करवाना सिंगल लोगों की। मैं कब तक पलंग के दोनों तरफ से उतरता रहूंगा? कभी यहाँ से उतरो, कभी वहां से उतरो, लड़की बीच में है नहीं कभी भी। मैं सुबह नींद से उठता हूँ, मैं देखता हूँ कोई लड़की हो, मैं कोई मेरे साथ पे रही हो, मैं नींद से उठू, मुझे गुड मॉर्निंग जान बोले, गुड मॉर्निंग, आप उठ गए, कॉफी तैयार है, मैं चाय पीता हूँ, लेकिन चाय तैयार करके आएगी वो। देखिए पहले इस काबिल बने शादी के। मैं इस काबिल हूँ, मैं बिल्कुल काबिल हूँ शादी के। तो क्या मैं क्या डॉक्टर को चेकअप कराऊँ? मैं बिल्कुल ओके हूँ। क्या बिल क्या नहीं, सब कुछ ओके, मेरे में हाथ पांव चल रहे, सब चल रहे, जबान चल रही है, आंखें भी हैं, चश्मा तो इसी फैशन के लिए लगाया हुआ है। लड़की मुझे खूबसूरत चाहिए, हाइट मेरी है 6'1", तो लड़की की हाइट कम से कम 5'7" 5'8" होनी चाहिए। हम दोनों जब सामने से आ रहे हो ना, आस पास के लड़के लड़कियां जल के राख हो जाए, राख। ऐसी की लड़की है? लड़कियां बहुत है हमारे पास, लेकिन आपके लिए नहीं है कोई भी फिलहाल। क्यों नहीं है मेरे लिए यार? मैं क्या यहाँ पे आपसे मजाक करने आया हूँ, लड़की लेने आया हूँ ना? मजाक ही कर रहे हैं, मुझे तो ऐसे लग रहा है आप मजाक कर रहे हैं। क्यों मजाक करूंगा, मेरा आपका मजाक है ही नहीं। आप यहाँ पे खोल के बैठी, आपने आज तक शादियां नहीं कराई। क्यों नहीं कराई शादी? मेरे दोस्त सही कहते थे कि मैरिज ब्यूरो नहीं जाना, ये लोग शादियां नहीं करवाते, फंसा हुआ माल देते। आप जैसे लोगों की शादियां नहीं करवाते? क्यों नहीं करवाते? मुझे क्या है? क्योंकि आप खुद नहीं कमाते ना। तो मैं खुद नहीं कमाता, मेरे अब्बू के पास तो पैसा बहुत है। आप लोगों को पैसों से मतलब है ना? पैसों से मतलब है नहीं है। देखिए सर्दियां चल रही है, मेरे से ये रातें काटी नहीं जा रही। मैं रात को सोता हूँ, एक बजे के बाद मुझे याद आती है कि यार मुझे लड़की कोई हो मेरे पास सो रही हो, मैं उसका हाथ पकड़ू, मेरा हाथ पकड़े, माहौल ठंडा हो रहा है, माहौल गर्म। जाए चले। मैं क्यों जाऊँ? देखिए मेरी बात सुने, मैं अम्मी को जुबान दे के आया हूँ कि आज मैं घर से बाहर जा रहा हूँ, मैं बहू लेके आऊंगा। आपका बेटा नाकारा, निकम्मा, निखट्टू नहीं है, शादी करूंगा मैं। वो तो है। नहीं हूँ है। क्यों मुझे शादी करनी है? आप यहाँ से मुझे लड़की दिखाओ ना कोई, शायद मेरा किसी पे दिल आ जाए। आपका तो दिल आ जाएगा, उसका नहीं आया फिर? क्यों नहीं आएगा यार, सिविक बाहर, सिविक खड़ी है, सिविक खड़ी है, दिल नहीं आएगा? दिल क्या, सब कुछ आ जाएगा। वो बोलेगी मेरी बहन भी है, उस आपका कोई छोटा भाई, उससे शादी करवा दो। एक बार सिविक आप देखने तो इंटीरियर देखेगी ना, मैंने रेड सीटें करवाई हुई है, लेदर करवाई सीटों को मैंने। अभी आप मेरा मसला हल करें।
आप देखें मैं आपसे तमीज से बात इसीलिए कर रहा हूँ ना, मैं दरअसल बहुत बदतमीज भी हूँ क्योंकि मुझे शादी करनी है। अभी अगर आप मुझे लड़की नहीं देंगी तो मैं अपने असली रूप में आऊंगा, जो मैं आना नहीं चाह रहा। आप मुझे मजबूर कर रही हैं। आप बदतमीजी कर रहे हैं। मैं बदतमीजी नहीं कर रहा हूँ, आप मुझे बदतमीजी में मजबूर कर रही हैं। मुझे लड़की आप दिखाएं, मुझे शादी करनी है, मैं सीरियस हूँ, मुझसे अकेले नहीं रहा जा रहा, 27 साल अकेले रहा हूँ। आपको पता नहीं कि ड्यू रिस्पेक्ट में लड़कियों को मैसेज कर रहा हूँ, लड़कियों के सामने से ब्लॉक कर रही है, इंस्टाग्राम पे हर लड़की को मैसेज कर रहा हूँ, मुझे लालते आ रही है सामने से। बेरोजगार हूँ क्योंकि मैं काम नहीं करता, समझ रहे हो, मैं पर्सनल काम नहीं करता। अब्बू ने दो कार दिए, बोला कमाओ, लड़की को भी खिलाओ पिलाओ, ऐश करो, तुम लोग घूमो। अब आप मुझे बताएं क्या हाल है इस मसले का। आप अपनी फीस बताएं, फीस बताएं, ये लो चार्ज करो, फीस चार्ज करो। अपना कार्ड दफा कार्ड आप पैसे लेके लड़कियों की जिंदगी नहीं बर्बाद कर सकते। क्यों नहीं बर्बाद कर सकते? आप लड़की की जिंदगी बर्बाद कर सकती हो, लड़की पैसों पे ही तो मरती है और मेरे पास पैसा तो बहुत है। आप अपने पैरों पे नहीं खड़े हुए ना, कैसे पैरों पे खड़ा होगी और बोलो। आप बदतमीजी कर रहे हो। अब बदतमीजी क्या कर रहा हूँ? आपने कहा पैरों पे खड़ा होना है ना, तो क्या मैं बैसाखी पे आया हूँ? मैं व्हील चेयर पे थोड़ी आया हूँ, मैं तो खड़ा हूँ अपने, मेरे पे टांगे 6.5 लंबी लंबी टांगे मेरी। आप गुस्सा क्यों कर रही हैं? अच्छा चले आराम से बात करते, मुझे शादी करनी है, फीस चार्ज करो ना। नहीं आपके लिए कोई उसमें से चार्ज करो। क्यों नहीं है, नहीं है, इतनी सारी लड़कियां रखी हैं, इनका अचार डालना है आपने, अचार डालना है, इतनी सारी लड़कियां रखी डालेंगे आपके लिए, नहीं है कोई लड़की। आप यहाँ से लड़की नहीं दोगे मुझे? नहीं देंगे। चलो ठीक है, मेरा एक मसला हल करते हैं, आप यहाँ से लड़की नहीं दो, दफा करो, मुझे नहीं चाहिए। मैं आज ना वादा करके आया हूँ मम्मी से, वादे के मुताबिक ना, वैसे आप भी कोई कम खूबसूरत नहीं है, बहुत प्यारी हैं आप माशाल्लाह, तो आप ही मेरे से चले, हम दोनों निकाह करते हैं कोर्ट में, कोर्ट मैरिज करते हैं। चलो देखिए, मैं आपसे बहुत प्यार से बोल रही हूँ कि आप कैसे चले जाए, आप मेरी क्लाइंट है, इसलिए मैं आपसे बदतमीजी नहीं कर रही हूँ। अभी आप चलो, हम दोनों शादी करते हैं। कैसे बात कर रहे हैं आप? क्या हो गया? आपकी हिम्मत कैसे मुझसे इस तरह से बात करने की? तो आपने जिंदगी में शादी नहीं करनी किसी से? आपसे नहीं करनी ना भाई, हमें नहीं करवानी आपकी शादी। भाई मुझे जाहिल इंसान है आप। क्या जाहिल इंसान है? मुझे शादी करनी, मेरे पास बहुत पैसा है यार, सिविक खड़ी है, क्या बात कर रही है? आप सिविक के आगे वाली सीट पे बैठोगी, 220 हाईवे पे। क्या हुआ, किसको कॉल कर रही हो? मेरी बात तो सुने। अच्छा एक मिनट बात सुनो, किसको बुला रही है? मजाक कर रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ, क्या हुआ? आप कॉल तो रखें, सिक्योरिटी नहीं बुलाए, मैं सिक्योरिटी आएगी भी नहीं, मैंने उनको रोका हुआ है। तो मैं मजाक कर रहा हूँ, प्रैंक करते हैं, बैठे में बता दो। आपका मेरा कोई मजाक है? नहीं नहीं, हम प्रैंक करते हैं, आपके ओनर ने करवाया है प्रैंक। पता नहीं क्या हो गया ओनर को भी। आप बैठे तो सही, मैंने कैमरे फिट किए हुए, आप बैठे, मैं आपको बताऊँ हुआ क्या। आपने किसे पूछ के कैमरे फिट किए हैं? आपकी ओनर ने खुद करवाए अपने हाथों से। हम YouTube पे मेरा चैनल है, हम वहाँ पे कॉमेडी वीडियोस बनाते हैं, एक कैमरा वहाँ गेट के पीछे लगाया हुआ है, एक कैमरा वहाँ आपके पीछे लगाया हुआ है। मुझे शादी ना आपसे करनी है, ना इनसे करनी है, किसी से नहीं करनी। मेरी अपनी गर्लफ्रेंड है, वेट कर रही है मेरी जान ले ली, उसको पता चल गया, बैठे तो सही। इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं? आपके घर से मिर्ची खा के आ रही हैं। अजीब इंसान है, फिर बदतमीजी कर रहे हैं। अच्छा आई एम सॉरी, ये वीडियो मैंने जो बनाई है मुझे यूज़ भी करनी है, यूट्यूब पर अपलोड करनी है, ऑडियंस वेट कर रही है, कर सकता हूँ जी? ठीक है, तो आप एक बार मुस्कुरा के कैमरे में हाथ हिला देंगी?